नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से वीडियो लेके आया हूँ असम की तरफ से। जो असम पुलिस, असम एक्साइज कांस्टेबल, जेल वार्डर, तो असम फॉरेस्ट गार्ड, तो इसके बारे में मैं बताने वाला दोस्तों। इसके लिए आप लोग को करेक्शन कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, जो लोग बहुत सारा कैंडिडेट लोग डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, उसका क्या क्लास टेन और क्लास ट्वेल्व का डिटेल मार्क्स, रोल नंबर एंड परसेंटेज, इसका ईयर ऑफ पासिंग, उन लोग बहुत सारा कैंडिडेट गलती किया है। और तो पहले वाला एक्साइज कॉन्स्टेबल फॉरेस्ट गार्ड वाला जो लोग अप्लाई ऑलरेडी किया, तो लोग ऑलरेडी गलत हो चुका है, तो बहुत सारा। तो इसके लिए आप लोग को ये जेल वार्डर अप्लाई कैसे करें, आप लोग को अच्छा से समझ के आप लोग को कैसे आप लोग को अप्लाई करना है, तो करेक्शन कैसे करना है, मैं आप लोग को इस वीडियो में प्रॉब्लम आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए बनाना पड़ता है। तो इसके लिए तो वीडियो बिना स्किप करके एंड तक देखते रहना और बने रहना। मैं आप लोग को लाइव प्रूफ केस मैं आप लोग को स्क्रीन पर मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो आप लोग का फॉर्म अगर गलती भी हो गया है, आप लोग का एड्रेस, आपका कोई भी हो एड्रेस, आप लोग को चेंज कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो 101% आप लोग को करेक्शन कर सकते हो। बहुत सारा कैंडिडेट मन में डाउट रहता है, दिमाग में सोचता है मेरा फोन तो मेरा गलती हो गया, गलत हो गया, मेरा फोन तो रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसे बात नहीं है। ये वीडियो इसलिए मैं लेके आया हूँ, तो वीडियो बिना स्किप करके एंड तक देखते रहना और बने रहना। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के बारे में इसी चैनल में आप लोग को भी देखने को मिलता रहेगा और पूछते रहेगा, इसलिए लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो देखे उनको भी उनका उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है 101% सॉल्व कर सकता। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली मेरा प्रोफाइल लॉगिन कर चुका है, तो आपको भी आपका प्रोफाइल लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस देने को मिलेगा। तो फाइनली आप लोग को कैसे करेक्शन करना है, मैं आप लोग को वीडियो ये फुली प्रोसेस देख लेना ज्ञान से, आप लोग को कैसे आप लोग को एडिट करना है, करेक्शन करना है, जो भी आपका गलती है वो आपको करेक्शन कैसे करना है मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों। उसके लिए जो भी आपको अप्लाई, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आपको सेलेक्ट कर लेना। मैंने तो देख सकते हो जेल वार्डर एंड फॉरेस्ट गार्ड मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, मैं आप लोग को ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी ये ट्रेनमैन वाला मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं दोस्तों। उसके लिए जो भी आपको पोस्ट आपको सेलेक्ट कर देना, जैसे कि मैं ये फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूं, तो अप्लाई बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। जैसे अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे तो इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा, सारी जानकारी मैं आप लोग आपको हिसाब से फिलअप कर देना, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरफ से अब मैंने चलो इस पोस्ट के लिए मैं तीनों पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूं दोस्तों। ये देख सकते हो मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा, सारी मैं आप लोग तीनों ही मैं सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेव एंड प्रोसेस बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। तो आप लोग को कैसे ये देख सकते हो, ये देख सकते हो ये अभी चेंज आप लोग को क्या क्या चीज आप लोग को करेक्शन कर सकते हो दोस्तों। देख सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों चेंज कर सकते हो, उसके बाद एज प्रूफ आपका क्लास 10 का एडमिट कार्ड भी चेंज कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी चेंज कर सकते हो दोस्तों, उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर भी आप लोग को फिर से नया अपलोड कर सकते हो दोस्तों। इस तरफ से चेंज बटन पर क्लिक करके फिर नया फोटो एंड सिग्नेचर जो भी आपको चेंज करने का मन है चेंज कर सकते हो, उसके बाद व्यू ऑप्शन पर व्यू कर लेना दोस्तों। उसका साथ साथ आप लोग को क्या क्या चीज आप लोग को चेंज कर सकते हो दोस्तों, ये देख सकते हो नेम आप लोग को चेंज कर नहीं सकते हो, जेंडर, फादर नेम, कास्ट, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आप लोग को चेंज नहीं कर सकते हो, और दूसरा तो सब चेंज कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद आपका जो भी हो आपका चेंज कर सकते हो, उसके बाद आपका फुल एड्रेस भी आप लोग को चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। चेंज कैसे करना है दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, सिंपली इस तरफ से आप लोग को, लेकिन डिस्ट्रिक्ट आप लोग को चेंज नहीं कर सकते हो, पुलिस स्टेशन चेंज कर सकते हो, आपका एरिया का पिन कोड आप लोग को सब चेंज कर सकते हो, आपका विलेज लेके सब चेंज कर सकते हो, लेकिन आप लोग को ये वाला जैसे कि देख सकते हो ये वाला हाईलाइट कम है ना दोस्तों, देख सकते हो जो लोग आप लोग को चेंज नहीं कर सकते हो ये वाला तो हाईलाइट थोड़ा कम देखने को मिलेगा, थोड़ा देख सकते हो ये वाला और ये वाला देख सकते हो थोड़ा डिफरेंस आप लोग को देखने को मिलेगा, देख सकते हो क्योंकि इसमें तो कोई ब्लैक नहीं है, इनमें से तो देख सकते हो बॉर्डर में थोड़ा ब्लैक करके देखने को मिलेगी, लेकिन इसका मतलब है आप लोग को ये चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप लोग को कौन सा आप लोग को चेंज करना चाहिए, आपका एड्रेस चेंज करने के लिए सिंपली से वो जो भी इस पर आप लोग को क्लिक कर देना। जैसे कि देख सकते हो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं दोस्तों, देख सकते हो मैं ये हटा भी सकता हूं दोस्तों, जैसे कि असम में हटा लेता हूं दोस्तों देख सकते हो मैं असम भी हटा लेता हूं दोस्तों। इस तरफ से आप लोग को जो भी एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकते हो। चलो मैं फिर से असम लिख लेता हूं, देख सकते हो दोस्तों मैं फिर से असम लिख लिया। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस सारी आप लोग को इस तरफ से आप लोग को करेक्शन कर सकते हो जो भी एड्रेस बोल रॉन्ग है, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम आप लोग को इस तरफ से क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इस तरफ से इंटरफेस देखने को मिलेगा, सेव एंड प्रोसेस बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। इस तरफ से सारी जानकारी आप लोग को चेंज कर सकते हो दोस्तों। अभी और बाकी है दोस्तों एडिट करने का ऑप्शन। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट मन में डाउट रहता है, मेरा तो क्लास
क्लास 10 का डिटेल, क्लास 12 का डिटेल देख सकते हो दोस्तों। इनमें से आप लोग का रोल नंबर भी चेंज कर सकते हो, ईयर ऑफ पासिंग चेंज कर सकते हो, परसेंटेज आप लोग को चेंज कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों मैं आप लोग को लाइफ प्रूफ करके मैं आप लोग को दिखाऊंगा दोस्तों, अभी आप लोग को ज्ञान से देख लेना दोस्तों। ये मेरा रूल नंबर कितना है दोस्तों देख सकते हो, 0032। ये आप लोग को नोट कर लेना दोस्तों, बाद में मैं आप लोग को लाइफ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। उसका बाद आप लोग का ये देख सकते हो, मेरा ऑलरेडी है दोस्तों देख सकते हो। मेरा ईयर ऑफ पासिंग कितना है दोस्तों, मेरा 2017 है देख सकते हो। और मेरा परसेंटेज कितना है दोस्तों क्लास 10 में, 43% है। और आप लोग क्लास 10 का मार्क्सिट अगर चेंज करना चाहते हो इस बार चेंज करके चेंज कर सकते हो दोबारा दोस्तों। अच्छा से देख लेना दोस्तों, देख सकते हो मैं आप लोग को ये तीनों लाइफ प्रूफ के साथ मैं आप लोग को चेंज करेक्शन करके मैं आप लोग को दिखाऊंगा दोस्तों। ऐसे करना है दोस्तों, आप लोग को ज्ञान से रख लेना। ये अगर चेंज करोगे तो ये भी सेम है, इस तरफ से सेम है, कोई डिफरेंस नहीं दोस्तों। चलो इसमें इनमें देख सकते हो रोल नंबर कितना है, 0032, और ईयर ऑफ पासिंग 2017, और परसेंटेज कितना है 43। चलो मैं आप लोग को करेक्शन करके देख, जैसे कि मैं इस पर मैं क्लिक कर दूंगा दोस्तों, यस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा दोस्तों देख सकते हो, ये देख सकते हो दोस्तों। चलो मैं माइनस कर लेता हूं, देख सकते हो। चलो मैं, मेरा 0032 है प्राइवेट वाला, लेकिन अभी मैं डाल लेता हूं 0060 में डाल के दिखाता हूं दोस्तों। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग में आप लोग को फिर से देख सकते हो दोस्तों, इस तरफ से मैं हटाऊंगा दोस्तों, इस तरफ से हटाऊंगा। 2000 कितना लग लेता हूं दोस्तों, 2017 लेना, 2020 में लग लेता हूं दोस्तों। इस तरफ से परसेंटेज, मेरा परसेंटेज कितना है 43 देख सकते हो, मैं हटा लेता हूं। चलो 80% में देख लेता हूं, लाइफ प्रूफ के साथ मैं आप लोग को दिखा रहा हूं दोस्तों। तो देख सकते हो मैंने चेंज कर लिया दोस्तों, तो मैंने देख सकते हो दोस्तों मैंने चेंज कर लिया आप लोग को लाइफ प्रूफ के साथ। ये आप लोग को देख लेना, मेरा पहले वाला था 0032 था, तो अभी मैंने लिख लिया 0060। उसके बाद मेरा ईयर ऑफ पासिंग पहले वाला 2017 था, अभी मैंने 2020 लिख लिया। मेरा परसेंटेज कितना था पहले वाला 43% अभी देख सकते 80% में लिख लिया। उसके बाद सेम स्टेप से क्लास 12 वाला भी आप लोग को डाल देना दोस्तों। चलो दोस्तों, उसके बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, सेव एंड प्रीव्यू ऑप्शन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। देख सकते हो सेव एंड प्रीव्यू ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों ये फाइनल सबमिशन है दोस्तों। देख सकते हो फाइनल सबमिशन करने से पहले आप लोग को अच्छा से चेक कर लेना दोस्तों। देख सकते हो फाइनल सबमिशन में मेरा क्लास 10 और क्लास 12 डिटेल देख सकते हो दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों क्लास 10 का डिटेल देख सकते हो दोस्तों। मेरा देख सकते हो, मेरा रोल नंबर पहले वाला 0032 है, लेकिन अभी 0060 देखने को मिल रहा है दोस्तों। लाइफ प्रूफ ऐसा मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ दोस्तों। मेरा पहले वाला, मेरा क्लास 10 वाला ईयर ऑफ पासिंग मेरा 2017 था, 2017 है, लेकिन अभी देख सकते हो मैंने 2020 लिख लिया दोस्तों। देख सकते हो मेरा परसेंटेज, देख सकते हो अभी 80% आ रहा है, लेकिन पहले वाला देख सकते हो 43% है दोस्तों। इस तरफ से आप लोग को करेक्शन करना है दोस्तों, देख सकते हो ये आप लोग को करेक्शन करना है। इस तरफ से जो भी हो आप लोग को करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले से बताया आप लोग का डिस्ट्रिक्ट, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ तो आप लोग को एडिट कर नहीं पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी जब आपने रजिस्ट्रेशन किया तब का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन किया है वो वाला तो आप लोग को चेंज नहीं कर सकते हो। अदरवाइज और जो भी और बाद में डाला वो आप लोग को सभी चेंज कर सकते हो दोस्तों। इस तरफ से आप लोग को चेंज कर सकते हो, करेक्शन एडिट कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद अभी मैं दोस्तों कंफर्म बटन में, जब मैं कंफर्म अगर करूंगा तो दोस्तों फाइनल सबमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को भी करेक्शन कर लेना। तो अभी दोस्तों मैं करेक्शन ऑप्शन कंफर्म नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरा तो मेरा परसेंटेज हिसाब से मेरा तो ऑलरेडी है, तो इसलिए मैं आप लोग को दिखाने के लिए मैंने ये मैं आप लोग को लाइफ प्रूफ के साथ मैं आप लोग को डाला है। तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को भी जो भी गलती है आप लोग को सुधार सकते हो, करेक्शन कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में देखने को मिलते रहेगा और पूछते रहेगा। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।